अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली प्राइम के इस अध्याय में आप जानेंगे जीएसटी के साथ बने परचेज और सेल्स इनवॉइस पर एडिशनल चार्ज जैसे फ्रेट, पैकिंग चार्ज इत्यादि लगाना। हमने आपको पिछली वीडियो में राउंडिंग ऑफ मेथड के बारे में बताया था और उसके पहले वाली वीडियो में डिस्काउंट के बारे में बताया था और इन्हीं से मिलता जुलता हमारा आज का टॉपिक है। यदि हम जीएसटी के साथ काम कर रहे हैं तो हमें परचेज बिल में कोई एडिशनल चार्जेस जैसे पैकिंग चार्जेस, इंश्योरेंस या फ्रेट लगा हुआ बिल मिलता है या फिर हम अपने कस्टमर को पैकिंग चार्जेस, इंश्योरेंस या फ्रेट लगाकर सेल्स बिल देते हैं तो टैली में ये काम किस तरह करते हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। उसके लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैकिंग चार्ज होता क्या है। जब भी कोई वस्तु यानी गुड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है तो वो रास्ते में सुरक्षित रहें, यानी उनमें कोई टूट फूट ना हो, इसके लिए उसे किसी बॉक्स या अन्य किसी तरह से अच्छे से पैक करके भेजते हैं और इस तरह की पैकिंग करने पर जो कॉस्ट आती है उसे पैकिंग चार्ज कहते हैं। इस तरह के चार्जेस को सप्लायर अपने कस्टमर से वसूलते हैं। दूसरा है इंश्योरेंस, इसका मतलब है जोखिम से सुरक्षा। यदि कोई बीमा कंपनी किसी कार, घर या गुड्स का बीमा करती है तो उस चीज के टूटने, फूटने, खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बीमा कंपनी उसके मालिक को पहले से तय शर्त के हिसाब से मुआवजा देती है और इस रिस्क यानी जोखिम को उठाने के लिए बीमा कंपनी हमसे जो चार्ज लेती है उसे इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। इस तरह के इंश्योरेंस प्रीमियम को सप्लायर अपने कस्टमर से वसूलते हैं। तीसरा है फ्रेट, जब हम कोई माल खरीदते हैं तो उसे किसी वाहन के माध्यम से अपनी लोकेशन पर मंगवाते हैं या जब हम कोई माल बेचते हैं तो उसे भी वाहन के माध्यम से ग्राहक द्वारा बताई गई लोकेशन पर भिजवाते हैं। तो इस तरह के माल के परिवहन पर जो गाड़ी का किराया भाड़ा देते हैं उसे फ्रेट कहते हैं। ये भी सप्लायर अपने कस्टमर से वसूलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस बिल में हमने दो प्रिंटर खरीदे हैं जिसमें सप्लायर ने हमसे पैकिंग चार्ज 200 रुपया लिया है और हमारे शोरूम तक प्रिंटर्स भेजने के लिए 100 रुपये फ्रेट लिया है। यहाँ दो बातें ध्यान रखें। पहली, इन चार्जेस पर भी जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इनवॉइस बनाते समय ये चार्जेस जीएसटी के लेजर सिलेक्ट करने के पहले लगाए जाते हैं जिससे इन पर भी जीएसटी कैलकुलेट हो सके। और दूसरी बात, इन पर जीएसटी का रेट भी वही होता है जो आइटम्स पर लगा होता है। इस बात को हम आगे काम करते हुए समझेंगे। तो आइए इसका परचेज वाउचर बना लेते हैं। अब यहाँ हमें पहले पैकिंग चार्ज का लेजर सिलेक्ट करना होगा जो कि बना हुआ नहीं है, तो पहले हम उसे बना लेते हैं। नेम में पैकिंग चार्जेस ऑन परचेस टाइप करेंगे। अब सवाल है अंडर में कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, तो ये भी आपको बता देते हैं।
सोचिए, क्या बगैर पैकिंग के कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है? उत्तर होगा नहीं। बस यही कारण है कि पैकिंग चार्जेस को भी परचेस का ही हिस्सा माना जाता है, इसलिए हम परचेस अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल ही रहने दें। अब यहाँ इस जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करें, क्योंकि इस लेजर पर हमें कोई टैक्स रेट सेट नहीं करना है। अब इंक्लूड इन असेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर के आगे जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस लेजर के अमाउंट पर भी हम जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। अप्रोप्रिएट टू के आगे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। यदि आप गुड्स की परचेस के साथ इस लेजर का उपयोग करने वाले हैं तो गुड्स सिलेक्ट करें। यदि सर्विस परचेस के साथ उपयोग करना चाहते हैं तो सर्विस सिलेक्ट करें, और यदि दोनों के साथ उपयोग करना चाहते हैं तो बोथ सिलेक्ट करें। हम गुड्स सिलेक्ट कर रहे हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन में बेस्ड ऑन वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। अब हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि आप परसेंट में पैकिंग चार्ज डालना चाहते हैं तो यहाँ रेट के कॉलम में वो परसेंट टाइप कर सकते हैं। हमें सीधे अमाउंट टाइप करना है, इसलिए हम एंटर प्रेस करके अमाउंट पर आ गए हैं। यहाँ हम 200 टाइप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ हमें फ्रेट ऑन परचेस का लेजर सिलेक्ट करना है। ये भी बना हुआ नहीं है, तो पहले हम इसे बना लेते हैं। अंडर में यहाँ भी परचेस अकाउंट्स ग्रुप ही आएगा, क्योंकि जितने भी खर्च सीधे परचेस से जुड़े होते हैं वे परचेस का पार्ट ही माने जाते हैं, इसलिए यहाँ भी हम परचेस अकाउंट्स ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पैकिंग चार्जेस की तरह ही सभी ऑप्शंस सिलेक्ट करते हुए इसे सेव कर लेंगे। अमाउंट में हम 100 टाइप कर रहे हैं। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। आइए अब टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। ये देखिए, 20,000 रुपए आइटम का मूल्य है। इसमें 200 रुपए पैकिंग चार्ज और 100 रुपए फ्रेट जुड़कर कुल लागत 20,300 रुपए हो गई है। और फिर इस टोटल अमाउंट पर जीएसटी कैलकुलेट हुआ है, यानी पैकिंग चार्ज और फ्रेट पर भी जीएसटी कैलकुलेट होता है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और दीपक ट्रेडर्स का 1 जून का एक सेल्स वाउचर बना लेते हैं। इसमें हम उसको 14,000 रुपए के भाव से एक नग प्रिंटर और 6,000 रुपए के भाव से एक नग सोइंग मशीन बेच रहे हैं। हम बिल में 2% डिस्काउंट दे रहे हैं, साथ ही 200 रुपए पैकिंग चार्ज और 100 रुपए फ्रेट लगा रहे हैं। अब यहाँ हम डिस्काउंट अलाउ ऑन सेल्स का लेजर सिलेक्ट करेंगे। इसके बारे में हम अपनी वीडियो नंबर 88 में विस्तार से समझा चुके हैं। यहाँ हम माइनस का चिन्ह लगाकर 2 टाइप करेंगे। ये देखिए, अमाउंट में 20,000 पर 2% के हिसाब से 400 रुपए डिस्काउंट आ गया है। अब यहाँ हमें पैकिंग चार्जेस ऑन सेल्स का लेजर बनाना होगा। अंडर में हम सेल्स अकाउंट्स ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पैकिंग चार्जेस हमारे सेल्स का पार्ट है। बाकी सभी ऑप्शन पहले की तरह ही रहेंगे। अब इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ अमाउंट में हम 200 टाइप कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ हमें फ्रेट ऑन सेल्स के नाम से भी लेजर बनाना होगा। ध्यान रखें, ये सेल्स का पार्ट नहीं है, इसे इनडायरेक्ट इनकम माना जाता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंडर बनेगा। बाकी सभी ऑप्शन पहले की तरह ही रहेंगे। अब इसे सेव कर लेते हैं। अमाउंट में हम 100 टाइप कर रहे हैं। अब यहाँ हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर्स सिलेक्ट करना होंगे। आइए अब टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। ये देखिए, प्रिंटर की वैल्यू 14,000 रुपए है। इसमें 2% डिस्काउंट देने से 280 रुपए कम हुए। अब बात करते हैं पैकिंग चार्ज की। तो सभी आइटम्स का अमाउंट, यानी 14,000 रुपए का प्रिंटर और
6,000 रुपए की सोइंग मशीन मिलाकर 20,000 रुपए हुआ और उस पर पैकिंग चार्ज है 200 रुपए। तो 14,000 के प्रिंटर पर पैकिंग चार्ज हुआ 200 बटा 20,000 गुणा 14,000 यानी 140 रुपए। और इसी तरह प्रिंटर पर फ्रेट कैलकुलेट हुआ 70 रुपए। इस तरह डिस्काउंट घटाकर और पैकिंग चार्जेस और फ्रेट जोड़कर प्रिंटर का टैक्सेबल अमाउंट हुआ 13,930 रुपए, जिस पर 18% से GST कैलकुलेट हुआ है। और इसी तरह सोइंग मशीन पर डिस्काउंट घटाकर और पैकिंग चार्जेस और फ्रेट जोड़कर टैक्सेबल अमाउंट हुआ 5,970 रुपए, जिस पर 12% से GST कैलकुलेट हुआ है। इस तरह हमने देखा कि परचेज और सेल के बिल पर हम एडिशनल चार्जेस को किस तरह से जोड़ते हैं और उसके बाद उस पर किस तरह से GST कैलकुलेट होता है। अब हम इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको वाउचर टाइप और वाउचर क्लास के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।